श्री बांके बिहारी डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इस कॉलेज के ऊपर कि यहाँ से क्या BDS कोर्स करना सही है या नहीं है। तो शुरुआत करते हैं श्री बांके बिहारी डेंटल कॉलेज के बारे में। जैसे कि यहाँ पर कोर्सेज की बात करूँ तो आपका बैचलर डिग्री भी और मास्टर डिग्री भी, यानी कि UG PG दोनों कोर्स होता है यहाँ पर, BDS MBBS दोनों कोर्स होता है। तो BDS का रिव्यू करते हैं। तो अगर इसकी बात करूँ स्टार्टिंग का, तो कैंपस अपना स्टार्ट 2004 में हुआ है कैंपस स्टार्ट। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसका आपका गाजियाबाद में है। वही बात करूँ इसका फ्लेशन का, जो फ्लेटेड है आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से फ्लेटेड कैंपस है। वही बात करूँ आपका अप्रूव है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड साइंस के अप्रूव कैंपस है। उसके बाद बात करें यहाँ पर यार कैंपस का, तो आपको यहाँ पर एक हाई मॉडर्न लैब फैसिलिटी मिलता है और गाजियाबाद लोकेशन में कैंपस लोकेटेड है। उसके बाद दिल्ली NCR का सबसे पुराना कैंपस में से एक कैंपस है आपका, यानी 2004 से कैंपस स्टार्ट हुआ था, लगभग 18 साल कैंपस हो चुका है। तो अगर आप श्री बांके बिहारी डेंटल कॉलेज देख रहे हो तो इस कॉलेज को आप जरूर देख सकते हो। अब इसे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो एडमिशन प्रोसेस आपका तभी हो सकता है जब आप नीट में क्वालिफाई हो, एटलीस्ट नीट क्वालिफाई होना कंपलसरी है, तभी आप जाके BDS कोर्स कर सकते हो। तो नीट का क्वालिफाई होना कंपलसरी है। और यहाँ पर बात करें प्रोग्राम का, तो 50 साल प्लस एक साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम करना कंपलसरी होता है। और आपको इंटर्नशिप के दरमियान भी आपको अच्छी पैकेज मिल जाती है वहां पर, प्रैक्टिस के टाइम में अच्छी सैलरी पैकेज ऑफर होता है। और बात करें प्लेसमेंट का, तो यार ऑलरेडी आप BDS कोर्स कर रहे हो तो कॉलेज को प्लेसमेंट मिलता है। प्लस ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज के बोर्ड से ही बैठने की जरूरत होती है, आपको प्लेसमेंट बाहर से भी आपको अच्छे ऑफर हो जाते हैं। तो एक अच्छी प्लेसमेंट है कैंपस से भी। बाकी ओवरऑल बात करें इसके फैकल्टी का, तो आपको जो यहाँ फैकल्टी मिलेंगे सारे हाई एजुकेटेड फैकल्टी मिलेंगे। प्लस आपको एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट मिलता है और दिल्ली के लोकेशन पे है आपका कैंपस, तो एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट मिलता है पढ़ने को। तो फ्रेंड इसके रिगार्डिंग कुछ और डाउट्स हो, कुछ पूछना हो, चाहे एडमिशन में कोई दिक्कत आ रहा हो, तो अपनी जानकारी मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मेरे से व्हाट्सएप पर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड चैनल बनाओ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।